मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कोई भी जम्स, कोई भी तरह के बैक्टीरिया और जो वायरस हैं उनसे छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। 5 अलग अलग चीज़ों से मैं आपको इनसे छुटकारा पाने का तरीका बताऊँगी। इन 5ों में से जो भी चीज़ आपके घर पर है आप उनका इस्तेमाल करें, मक्खी मच्छर वायरस और किसी भी तरह के कीटाणुओं से बचाव करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ता ज़्यादातर हम तो रसोई घर में ही यूज़ किया जाता है, खाने में ही हम तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो तेज पत्ता होता है, एक पत्ते को यदि आप प्रतिदिन जलाते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे इससे निकलने वाला जो धुआं होता है, सबसे पहले तो वो तनाव को कम करता है, दिमाग को शांत करता है और जो स्ट्रेस होता है उसे दूर करता है। और इसकी जो खुशबू होती है, इस तेज पत्ता को जलाने से जो धुआँ निकलता है और उस धुएँ की जो खुशबू होती है उससे मक्खी मच्छर कॉकरोच बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो आप दिन में एक बार शाम के समय एक तेज पत्ते को जलाएं। आप देख रहे हैं, मैंने आपको भी जलाकर दिखाया है, इसका धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो घर के एक कोने में आप इसे रख दें जलाकर, कुछ देर तक के जो धुआं निकलेगा वो आपको तनाव से भी मुक्ति देगा, साथ ही मक्खी मच्छर कॉकरोच सभी चीज़ें ये दूर होंगी। घर में जो अशुद्ध वातावरण होगा, जो भी दूषित कीटाणु हैं वो भी बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे। और तेज़पत्ता तो ऐसा है दोस्तों जो ज़्यादातर सभी के घर पर होता है और बहुत कुछ हद तक आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं यदि आप प्रतिदिन एक तेज़पत्ता रोज़ जलाते हैं। अब मेरी जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, आम की लकड़ी यदि आपको मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है। वैसे तो आजकल जो पूजा का सामान मिलता है, भगवान की पूजा का जहाँ सामान मिलता है वहाँ तो आम की लकड़ियाँ हमेशा मिल जाती हैं, क्योंकि जो भी हवन किया जाता है उसमें आम की लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे, अरे हवन में आम की लकड़ियाँ ही क्यों लें, कोई भी लकड़ी हम जला सकते हैं। जी नहीं, आम की लकड़ी जलाने से जो धुआँ निकलता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो उसका फ़ायदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हवन में आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आम की लकड़ी सूखी होती है तो जलती भी जल्दी है, और आम की लकड़ी के जलने से जो गैस निकलती है दोस्तों, उससे हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। अगर आप किसी कभी भी घर पर हवन कराएं तो आप देखेंगे कम से कम 15 दिन तक के आपके घर का वातावरण तो शुद्ध रहेगा, किसी भी तरह के कीटाणु नहीं रहेंगे, 95% कीटाणु मर जाते हैं। इसलिए महीने में एक बार भी हवन कराएं, और ना कराएं आप खुद ही आम की लकड़ी को जला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जलाकर दिखा रही हूं। तो इसी तरह से मैंने आम की लकड़ी हवन पूजा के सामान की दुकान से लेकर आई हूं दोस्तों। एक लकड़ी को मैं बीच बीच में जला देती हूं, 15-20 दिन में या 8-10 दिन में, जब आपको टाइम मिले। और इससे आप देख रहे हैं मैंने एक कोने में रख दिया है दिए के ऊपर, तो जो धुआं निकल रहा है दोस्तों, इस धुएँ से जो गैस निकल रही है दोस्तों, उससे जो भी कीटाणु हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। मक्खी मच्छर बैक्टीरिया वायरस सभी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएंगी। आम की लकड़ी बहुत ही शुद्ध होती है। जो मेरा तीसरा तरीका है दोस्तों वो है गूगल। आपने देखा ही होगा, गूगल एक, वैसे तो गूगल एक वृक्ष का नाम है, वृक्ष में उसके तने में चीरा लगाकर गोंद प्राप्त किया जाता है। गूगल कई बार पीले रंग का होता है, कहीं सफ़ेद सा होता है और कहीं हल्का सा लाल होता है। आयुर्वेद में भी गूगल का इस्तेमाल किया जाता है इसके। और दोस्तों, गूगल आपको कहाँ मिलेगा, आपको किसी भी किराना दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। गूगल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। आपने देखा मैंने एक बड़े दीपक में इसे रख दिया है, तुरंत ही ये जलने लगता है। और गूगल के जलने से जो धुआं निकलता है दोस्तों, उससे बहुत बहुत ही ज़्यादा धुआं जो होता है बहुत ही लाभकारी होता है। स्वास्थ्य विज्ञान में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सिर का दर्द, जोड़ों का दर्द सब कुछ इससे शांत होते हैं और शरीर की सूजन भी इससे कम होती है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। और इससे निकलने वाले धुएं से घर में जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो इसे जलाने के बाद शाम के समय आप अपने घर के कोने कोने में इस दिए को लेकर जाएं, ताकि पूरे घर में इसका धुआं भर जाए। कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दें, आप खुद इसे जलाकर देखें। गूगल के धुएं से हमारा मस्तिष्क शांत होता है। अगला उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, सभी मैंने आपको बहुत ही सस्ते उपाय बताए हैं जिनमें बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने ली है नीम की पत्तियाँ। नीम
नीम का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। नीम के पौधे का हर हिस्सा, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसका तना, चाहे निम्बोली हो, चाहे नीम की लकड़ी हो, सब कुछ लाभकारी है। आयुर्वेद में तो सभी रोगों की एक दवा नीम के पौधे को कहा गया है। तो शाम के समय आप नीम की कुछ सूखी पत्तियों को जला दें। वैसे तो मैं आपको ये जो छोटी छोटी गोलियां दिखा रही हूँ दोस्तों, मैंने नीम की पत्तियों को पानी डालकर बढ़िया अच्छा पीस लिया है और छोटी छोटी गोलियों को, उसकी गोलियां बनाकर सुखा लिया जो आपको ट्रे में दिखाई दे रहा है। परंतु यदि आप इसकी गोली नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल नीम की पत्तियों को धूप में सुखा लें, छांव में सुखा लें और कुछ पत्तियों को शाम के समय जरूर जलाएं। नीम की पत्तियों से जलने से जो धुआं निकलता है दोस्तों, वो वातावरण को शुद्ध करता है, सभी तरह के कीटाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह में एक बार आप नीम की पत्ती का धुआं घर में ज़रूर दें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि आप देखेंगे आपके खुद के घर में आपको लगेगा कि बहुत कुछ हद तक बीमारियाँ कम हो गई, ख़त्म हो गई। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम में, तो नीम की पत्तियाँ हों इसे आप ज़रूर इकट्ठा करके रखें, सुखा लें और बस इसी तरह से सप्ताह में एक बार आप ज़रूर जलाएं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से पत्तियों को थोड़ा मैं आगे पीछे कर दे रही हूँ। मैंने आम की लकड़ी की डंडियाँ ली हैं, आम की लकड़ियाँ भी आपको किसी भी पूजा के सामान की दुकान में आपको गूगल आम की लकड़ी मिल जाएगी। अगला जो उपाय है दोस्तों, जिससे आप मक्खी मच्छर बैक्टीरिया वायरस से छुटकारा पा सकते हैं, वो है कपूर। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कैम्फर भी कहते हैं। आपने देखा होगा भगवान की पूजा में हम इस कपूर को ज़रूर जलाते हैं। विषाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है कपूर में। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है कपूर। अरोमा थेरेपी में भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जब हम कपूर जलाते हैं तो हमारे दिमाग की नसों को भी बहुत कुछ आराम मिलता है। अनिद्रा जैसी जो बीमारी होती है दोस्तों, वो भी दूर होती है। कपूर के जलने से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। बहुत सी औषधियों में भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, रोज़ आप 1 रुपए के कपूर की बट्टी को ज़रूर जलाएं। कपूर से निकलने वाले धुएं से आप देखेंगे मक्खी मच्छर कॉकरोच बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों, ये धूप बत्ती बोलते हैं, ये भी भगवान की पूजा की जगह पर आपको मिल जाएगा। ये खुद मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। जब भी इसे हम लोग शाम को जलाते हैं, घर पर बिल्कुल भी मच्छर नहीं रहते हैं और इसे जलाने से अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो इन 5 से चीज़ें जो मैंने अलग अलग आपको बताई आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।